कैसे हैं सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। आज ही हम बना रहे हैं कॉफ़ी। तो जैसा कि सर्दियाँ हैं तो कॉफ़ी मज़े की लगती है, तो आज हम लाइव वीडियो करेंगे और स्टार्ट करते हैं रेसिपी। पहले ये फ्रॉथर, मेरे पास इसके बैटरीज नहीं थी तो अभी मैंने वो मंगवाई हैं। पहले हम इसको इंस्टॉल कर लेते हैं, होप कि ये पूरी आ जाए। पहले मैंने दूसरी ट्राई की थी, ये वाली, ये थी ट्रिपल ए, तो अभी जो मैंने मंगवाई है वो है डबल ए। तो अभी इसको इंस्टॉल करते हैं, देखते हैं कि इसमें फिक्स होती है कि नहीं। वालेकुम सलाम। इसके ऊपर लिखा होता है प्लस और माइनस का जो साइन है, तो उसी तरह से बैटरीज जो हैं वो इंस्टॉल होंगी। तो चेक करते हैं, इसमें मैंने रखी जी, अल्हम्दुलिल्लाह ये सेट हो गया। अब जी हमारा स्टेप है, थोड़ा सा पानी लेंगे, तकरीबन 1.5 टेबल स्पून, तो उसमें फिर हम ऐड करेंगे शुगर और कॉफ़ी, ये ठीक है। तो इसमें हम ऐड करते हैं कॉफ़ी, कॉफ़ी आप टेस्ट के हिसाब से ले सकते हैं, अगर आपको बहुत स्ट्रॉन्ग पसंद है, ऐसे 1 टीस्पून एंड आई विल टेक हाफ। अगर आपको स्ट्रॉन्ग पसंद है तो आप 2 ले लें, ये 1 कप के लिए। ये है मेरे पास 2 टीस्पून। इसमें अब मैं थोड़ा सा ऐड कर दूंगी कॉफ़ी मेट, मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून, ठीक है, क्योंकि मैंने मिल्क ऐड करना है। अगर आपको मिल्क नहीं चाहिए तो आप फिर कॉफ़ी मेट 2 टीस्पून ऐड कर सकते हैं और उसमें आप पानी मिक्स कर सकते हैं। अगर आप मिल्क वाली चाहते हैं तो फिर आप ना भी डालें तो कोई मसला नहीं। ये एक साइड पे रखना है इसको, ऐसे नीचे रखेंगे तो ये रुक जाएगा, बस एक साइड पे आपने रखना है इसको। एज यू कैन सी ये रखा मैंने, स्टॉप हो गया, तो ये थोड़ा सा उठा के आपने रखना है इसको। अच्छा, ये मैं इस कप में बना रही थी क्योंकि इसी में ही मैंने पीना है। वाहिद को इतनी ज़्यादा कॉफ़ी पसंद नहीं है तो हम दोनों शेयर कर लेंगे, ये काफ़ी बड़ा कप है। तो मैं अभी साथ बता दूँ आपको कि आप यहाँ पर ये भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, और आप ये वाला बीटर भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये इसके अंदर जा नहीं रहा था तो इसलिए, तो इसके साथ आप करेंगे तो शायद ज़्यादा जल्दी बन जाए, ठीक है। अगर ये दोनों चीज़ें नहीं हैं आपके पास तो आप स्पून या फोर्क से कर लें, ठीक है। तो हम इसको फ्रोथ कर लेते हैं। तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ इसकी कंसिस्टेंसी। अभी तक इसका सिर्फ कलर चेंज हुआ है और हल्की सी थिकनेस आना शुरू हुई है। इसमें यही होगा ज़्यादा अच्छा कि आपने इसको ऊपर करके रखना है ऐसे, तो ये जल्दी बनेगा। ऐसा चिप्स बन गए हैं, पर हमारी अभी रहता है थोड़ा फ़र्क। चेक करें ज़रा इसकी, अभी थोड़ा सा और इसको करेंगे मिक्स। ये देखें जी, ये जी तकरीबन 20 मिनट की मेहनत के बाद इस तरह से थिक हो गई थी कॉफ़ी। इसको अगर मज़ीद आप 10 से 15 मिनट करेंगे तो बिल्कुल फोमी शेप में आ जाएगी, तो वो उस तरह से और भी ज़्यादा डिलीशियस हो जाएगी। तो ये यहाँ पर स्टेप 2 है कि इसमें मैं अब मिल्क ऐड कर रही हूँ जो कि हॉट है,
तो आपने अगर कोल्ड कॉफ़ी बनानी है, आपको कोल्ड पसंद है, तो आप इसी स्टेप पे आके क्यूब्स ऐड करके ठंडा दूध ऐड कर सकते हैं। ये जी कॉफ़ी हमारी रेडी हो चुकी है, तो थोड़ा सा इस पर स्प्रिंकल कर लेंगे हम कॉफ़ी पाउडर, आप कोको पाउडर भी कर सकते हैं। और बहुत ही यमी किस्म की बनी थी, शानदार किस्म, अच्छी वाली, स्टारबक्स से ज़्यादा अच्छी बनी थी अल्हम्दुलिल्लाह। तो बस वाहिद को भी बहुत पसंद आई, मुझसे ज़्यादा तो उन्होंने पी ली थी। तो चलिए आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी लेकिन मज़ेदार कॉफ़ी आप पियेंगे इंशाल्लाह। तो मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।